टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथा T20 मुकाबला 9 विकेट से जीत लिया। टीम इंडिया ने आज शानदार पहले गेंदबाजी की और वेस्टइंडीज की टीम को 178 रनों पर आउट कर दिया। उसके बाद में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने आज कीर्तिमान रच दिया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने आज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की, 165 रनों की तूफानी पार्टनरशिप की और पहले विकेट के लिए आज शानदार तरीके से दोनों ने बल्लेबाजी की। शुभमन गिल ने 77 रन बनाए, शुभमन गिल 47 गेंदों पर 77 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन यशस्वी जायसवाल आज खोटा गाड़ कर खड़े रहे। यशस्वी जायसवाल ने आज ये बता दिया कि क्यों इस खिलाड़ी को आने वाले भविष्य का बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है, क्यों इस खिलाड़ी को आने वाले भविष्य में टीम इंडिया का बड़ा स्टार माना जा रहा है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने आज शुरुआत से आते ही शॉट खेलने शुरू कर दिए, 84 रन बनाए, 51 गेंदों का सामना किया, 11 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए, 164 के स्ट्राइक रेट से यशस्वी जायसवाल ने आज वेस्टइंडीज के किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा। आज यशस्वी जायसवाल का बल्ला जमकर बोला। यशस्वी जायसवाल ने आज केवल 14 गेंदों पर 62 रन ठोक दिए। चौके छक्कों की मदद से यशस्वी जायसवाल ने आज ये बता दिया कि इस बल्लेबाज के अंदर कितना दम है। आज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की पार्टनरशिप ने दोनों ने कमाल की परफॉर्मेंस करके कई रिकॉर्ड कायम कर दिए। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल केएल राहुल और रोहित शर्मा के बाद सबसे ज्यादा बड़ी पार्टनरशिप करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों के तौर पर T20 में सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ वेस्टइंडीज के घर में भारतीय सबसे बेहतर ओपनिंग जोड़ी बन गए हैं और वेस्टइंडीज के खिलाफ दुनिया की किसी भी ओपनिंग जोड़ी के तौर पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने सबसे बेहतर पार्टनरशिप करके दिखाई है। तो जाहिर तौर पर T20 में आज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के नाम वो कीर्तिमान रचा गया है जिस कीर्तिमान को रचना हर किसी बल्लेबाज के बस की बात नहीं है। यशस्वी जायसवाल की आज पारी की खूब तारीफ हो रही है। यशस्वी जायसवाल के शॉट और उनकी बल्लेबाजी ने जिस तरीके से आज करके दिखाया, उसने बता दिया कि ये बल्लेबाज आने वाले भविष्य में बड़ा स्टार बनकर दिखाएगा। आपका यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की बल्लेबाजी पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।